अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं HP नेटवर्क। नाज़रीन, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि IPL की गर्मा गर्म न्यूज़ इंशाल्लाह कल से स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो सिलसिला शुरू हो चुका है क्योंकि ऑक्शन अभी तक जारी है। और आज की हमारी इस वीडियो में अब तक जो प्लेयर सोल्ड हुए वो भी बताएंगे, और जो अनसोल्ड है वो हम अपनी फाइनल जब ऑक्शन खत्म हो जाएगा तब बताएंगे, और जो फाइनल लिस्ट होगी सोल्ड प्लेयर्स की वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल मैं अब तक जो सोल्ड प्लेयर्स है वो बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके अलावा बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी हर एक आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आसानी मौसूल हो सके। तो बढ़ते हैं। अच्छा, तो कल ही मैंने आपको बताया था टॉप मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर जिसमें सैम करन थे, जो कि 2023 में 18.5 करोड़ में सोल्ड हुए थे, लेकिन इस दफा ये रिकॉर्ड भी ब्रेक हुआ है और जो सबसे मोस्ट जो है ना एक्सपेंसिव प्लेयर है जो कि सोल्ड हुए हैं उनमें है जिनको लिया है आपकी कोलकाता नाइट राइडर्स ने, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले बात करते हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, जिसमें डेरियल मिचर है जो कि ओवरसीज है, 14 करोड़ रुपए के सेल हुए है। उसके बाद शार्दुल ठाकुर है जो कि ऑलराउंडर है, 4 करोड़ में सोल्ड हुए है। इसके बाद रचिन रविंद्रा है जो कि 1.80 करोड़ में सोल्ड हुए है। अब तक ये चेन्नई सुपर किंग्स के है। इसके बाद दिल्ली कैपिटल से अगर उनकी हम बात करते हैं तो उन्होंने अभी तक जो है ना 2 प्लेयर्स लिए है, और उनमें हैरी ब्रॉक है जो कि 4 करोड़ में सेल हुए हैं, और उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स है जो कि 50 लाख में इनको सोल्ड किया गया है। गुजरात टाइटन्स की अगर बात करते हैं उमेश यादव है जो कि 5.80 करोड़ रुपए में सोल्ड हुए हैं। अजमतुल्ला उमरजई है जिनको 50 लाख में सोल्ड हुए हैं, अफगानिस्तान के प्लेयर। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स की अगर बात करते हैं, इसमें मैंने आपको बताया है कि सबसे महंगे वो प्लेयर है जो कि इस दफा IPL के हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सपेंसिव भी हम कह सकते हैं जो कि सोल्ड हुए, उसमें मिचेल स्टार्क है जिनको 24.75 करोड़ में सोल्ड किया है। ये IPL हिस्ट्री के अब तक के सबसे महंगे तरीन प्लेयर हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो भारत है जिसको 50 लाख में लिया गया है, चेतन सकरिया है जिसको 50 लाख में लिया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। इसके बाद लखनऊ की बारी आती है, उन्होंने सिर्फ अब तक एक ही प्लेयर सोल्ड किया है, शिवम मावी जिसको 6.40 करोड़ रुपए में लिया है। उसके बाद बारी आती है मुंबई इंडियंस की, मुंबई इंडियंस में कोटली है जिसको 5 करोड़ में सोल्ड किया है उन्होंने। दिलशान मधुशंगा है जिनको 4.60 करोड़ में सोल्ड किया है पंजाब किंग्स की। इसके बाद बारी आती है हर्षल पटेल है जिनको 11.75 करोड़ में सोल्ड किया है। इसके बाद क्रिक्स वॉक्स है जिनको 4.20 करोड़ रुपए में सोल्ड किया है। इसके बाद अगर बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की तो रोमान पॉल है जिनको 7.40 करोड़ रुपए में लिया है, जबकि रॉयल चैलेंजर्स है इसके बाद उन्होंने अलजरी जोसेफ को 11.50 करोड़ में लिया। अब बारी आती है आखिरी टीम की जिसमें सनराइजर हैदराबाद है जिन्होंने अब तक पैट कमिंस को 20.50 करोड़ में, जबकि ट्रेविस हेड को 6.80 करोड़ में। इसके बाद अगर तीसरे प्लेयर की हम इनकी बात करते हैं तो जयदेव है जिनको 1.60 करोड़ में लिया है, और वविंदर असरंका है जिनको 1.50 करोड़ रुपए में लिया है सनराइज हैदराबाद ने। तो ये वो प्लेयर्स है जो अब तक सोल्ड हो चुके हैं, और मजीद सिलसिला जारी है ऑक्शन का। जितनी भी अपडेट्स आएंगी आपके साथ वक्तन बवक्तन शेयर करेंगे, लेकिन फिलहाल तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।